और आगे बढ़िए। मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाजा, नबी की अजमत को पहचानो, नबी के मकाम को समझो। नबी इस कायनात में सबसे महबूब हस्ती हैं अल्लाह की, अल्लाह के बंदों में सबसे मुअज्जज बंदे हैं अल्लाह के। नबी का मकाम और नबी की अजमत को पहचानो। नबी वो हैं कि कुरान में अल्लाह ने मूसा को या मूसा कहा, ईसा को या ईसा कहा, दाऊद को या दाऊद कहा, नूह को या नूह कहा, मगर मेरे आखिरी नबी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं या मोहम्मद नहीं कहा, कहीं या अय्युहन नबी कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, कहीं या अय्युहल मुत्तसिर कहा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहा। ये नबी की अजमत है, ये नबी का मकाम है। अल्लाह अपने नबी के दिल के जज्बात और नबी के दिल में उमटने वाले ख्यालात की भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी तवज्जो दी है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे, उस वक्त किबला था बैतुल मुकद्दस। अल्लाह के नबी नमाज तो पढ़ते थे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके, लेकिन आपके दिल में ये आरजू थी कि काश हमारा किबला खाने काबा को बना दिया जाए। आप बार बार आसमान की तरफ नजरें उठाते थे कि अल्लाह काश के किबला हमारा खाने काबा को बना दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا। ऐ नबी, आपका बार बार आसमान की तरफ पलट करके देखना, हम उसको देख रहे थे, हम देख रहे थे आप क्या चाहते हैं, आपके दिल की चाहत हमें मालूम थी। ऐ नबी, जो आप चाहते हैं हम उसी का आपको हुक्म दे देते हैं। अब आज के बाद आप जब नमाज पढ़े तो अपना चेहरा खाने काबा की तरफ कर लें। यह है नबी का मकाम। नबी का मकाम यह है कि नबी के सामने ऊंची आवाज से किसी ने अगर बात कर ली, बदतमीजी से बात कर ली, अल्लाह ने कहा उस अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़ु अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजारि बादिकुम लिबाज़िन। ऐ ईमान वालो, तुम नबी से ऊंची आवाज से बात न करो, जैसे एक दूसरे से बात करते हो वैसे नबी से बात न करो। अंतुम ला तशुरून, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाए, तुमको पता न चले। नबी की वफात के बाद भी, हाफिज इब्न कसीर कहते हैं नबी की वफात के बाद भी नबी की कब्र के पास, नबी अपनी वफात के बाद भी काबिल एहतराम है, नबी की कब्र के पास ऊंची आवाज से बात करना सहाबा और ताबेईन और सलफ सालहीन इसको नापसंद करते थे। हजरत उमर फारूक का दौर है, दो लोग मस्जिद नबवी में बैठकर जोर जोर से बातें कर रहे हैं। हजरत उमर ने उनको अपने पास बुलाया, कहा कहां से आए हो भाई? कहा कि हम लोग नजद से आए हैं। हजरत उमर ने कहा लौ कुंतुमा मिन अहलिल मदीनति लऔजअतुकुमा, अगर तुम लोग मदीना के होते तो बड़ी पिटाई करता। तरफानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग अल्लाह के रसूल की मस्जिद में ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। यह नबी की शान है मेरे भाई, यह नबी का मकाम है। तो नबी से जो मोहब्बत करे वो नबी की शान को, नबी की अजमत को पहचाने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अना सय्यद वलद आदम, मैं तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूंगा कयामत के दिन। व अव्वलु शाफईन व अव्वलु मुशफईन, कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफात करूंगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी, मेरे नबी ही जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। और कयामत के दिन जब तमाम लोग शफात से इनकार कर देंगे, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तुलहा, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तुलहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे लस्तुलहा, सब कहेंगे मैं शफात नहीं कर सकता, मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं बात कर सकता। जब शफात करने का मामला हमारे नबी तक पहुंचेगा तो हमारे नबी कहेंगे अना लहा, मैं शफात करूंगा, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ करेंगे कि वैसी तारीफ किसी बंदे ने अल्लाह की नहीं की होगी। और उसके बाद अल्लाह आवाज देगा, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, सल तोता मांगिए दिया जाएगा, इशफा तो शफा, शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाए। तो नबी की अजमत को पहचानो मेरे भाई, ये मोहब्बत रसूल का तीसरा तकाजा है। जो नबी की शान को न समझे, नबी के मकाम को न समझे, नबी की अजमत को न पहचाने, वो नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता। और नबी की अजमत आपको कहां मिलेगी? किससे कहानियों में नहीं मिलेगी, नबी की अजमत कुरान में मिलेगी और नबी की अजमत हदीस में मिलेगी। जो नबी का मकाम किसी और को दे दे, जो नबी के अलावा किसी और को मासूम समझे, जो किसी और के बारे में यह कह दे कि उसकी हर बात मानी जाएगी, उसने नबी के मकाम को नहीं समझा।
इस कायनात में अगर किसी को ये अथॉरिटी है कि उसकी हर बात मानी जाएगी, तो ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र की तरफ इशारा करके कहते थे, कुल्लु युखज़ मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, सबकी बात को लिया भी जा सकता है और सबकी बात को ठुकराया भी जा सकता है सिवाय इस कब्र वाले के, इस कब्र वाले की बात को ठुकराया नहीं जा सकता। तो आगे बढ़े, नबी की अजमत और आपकी शान को समझना, यह मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाज़ा।